नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित आपके जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव रूप में, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चंस हम लोग पहले ख़त्म कर चुके हैं। याद रखना, आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित लेक्चर शुरू होते जा रहे हैं, फिर चाहे वो भारत का हो सामान्य ज्ञान, चाहे वो फिर आपका विश्व का हो, ये सभी आपको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका दूसरा, क्या है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ये आपका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है तीसरा, क्या आंसर है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका चार, डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। क्वेश्चन है आपका अगला पांच, कौन सा है पांच, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है, प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। तो इसमें आपका पांच में डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन है छः, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो याद रखना है, फॉर्मेटिंग। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका सात, क्या है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें याद रखना, रैम, डी ऑप्शन है इसमें। फ्लॉपी डिस्क इसका उदाहरण है, हार्ड डिस्क, सीडी इसका उदाहरण है, लेकिन रैम नहीं है इसमें। क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है आठ, क्वेश्चन क्या है आठ, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो इसमें क्या होगा आपका, सेकेंडरी। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा आठ का। क्वेश्चन है नौ, क्या है, डीवीडी क्या है, डीवीडी क्या है? तो याद रखना, डीवीडी आपका डिजिटल वीडियो डिस्क है। क्या होगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, क्या करता है, ALU, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है ग्यारह, क्या है क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो याद रखना, बस। क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है हमारा बारह, सुपर कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, सुपर कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका तीसरा, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है चौदह, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पोर्ट। क्या कहते हैं, पोर्ट, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पंद्रह, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन,
ए ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 16। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सपोर्ट जोड़ता है? MIDI। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 17। कंप्यूटर संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, क्या करता है? मदरबोर्ड। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 18। क्या है? डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, डिस्क ड्राइव। सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 19। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है 20। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड आपके स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा अगला 21। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट में। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 22। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इसमें रहता है सिस्टम बस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो याद रखना, मशीन लैंग्वेज का। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 24। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी कैमी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ। कब हुआ? 1964 में हुआ। क्वेश्चन है हमारा 26। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो याद रखना, फ्लो चार्ट। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें आपका होगा फोरटेन। क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो याद रखना, व्यावसायिक कार्य के लिए। बी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा 29। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल का। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 31। कंप्यूटर भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कौन सी? कोबोल। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है हमारा 31। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं आपके सन माइक्रोसॉफ्ट। सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 32। सारे कंप्यूटर में मशीन भाषा लागू होती है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 33। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? इंटरनेट पर प्रयुक्त आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। कौन सा है? जावा। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमका 34। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखना, वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 35वां क्वेश्चन। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को। ए ऑप्शन सही है हमारा। 34
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 37, गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? याद रखना, लॉजिकल एरर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 38, मशीन लैंग्वेज का क्या प्रयोग करती है, लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 39, क्या है 39? कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, बाइनरी, सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी, क्या है? टीबी। क्वेश्चन है हमारा 41, बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? यह आपका बाइनरी डिजिट का, सी ऑप्शन सही होगा। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो याद रखना है 8। पता है आपको ये क्वेश्चन MPPSC में आपका कई बार पूछा जा चुका है, MPPSC में प्री में कई बार पूछा जा चुका है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 8 बिट। क्वेश्चन है हमारा 43, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। क्वेश्चन है हमारा 44, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो याद रखना, इसमें होगा आपका बी ऑप्शन 1024, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 46, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? कोडिंग सिस्टम, क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम, क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 47, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो याद रखना, बिट में, किस में? बिट में, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 48, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट आपका एक प्रकार का सर्किट है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 49, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 50, क्या है 50? कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यह है आपका यूटिलिटी, डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है 51, क्या है 51? प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बग, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है 52, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य आपका डाटा को सूचना में बदलना है, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 53, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, डीबगिंग, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 54, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 55, DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 56, इसमें विषम शब्द क्या है? एक्सेस, बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 57,
यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। कब हुआ? 1969 में। क्वेश्चन है हमारा 58, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 59, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 60, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ये है आपका सिस्टम। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 61, क्या है कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर आपकी निम्न स्तरीय भाषा है। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 62, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाली प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 63, यूनिक्स की विशेषता क्या है? केन थॉम्सन। क्वेश्चन है हमारा 64, क्या है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है? असेंबलर। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 65, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस। डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 66, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम लोग स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 67, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग में। किस में? टाइम शेयरिंग में। क्या होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 68, ओरेकल है क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 69, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है 70, CDA का तात्पर्य क्या है? CDA का तात्पर्य है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 71, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? किसका? पेज मेकर का भी करते हैं, MS वर्ड का भी करते हैं। ठीक है, ए बी दोनों सही होंगे इसमें। डी ऑप्शन होगा इसमें। क्या होगा? पेज मेकर का भी प्रयोग करते हैं हम रिज्यूम बनाने के लिए और MS वर्ड का भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 72, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 73, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 74, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? इंटरप्रेटर। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 75, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग। क्या कहते हैं? रीबूटिंग। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन शिफ्ट टेस्ट। पावर ऑन शिफ्ट टेस्ट। क्वेश्चन है 77, लाइनेक्स किस सिस्टम का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका ओपन सोर्स। ए ऑप्शन सही होगा 77 का।
क्वेश्चन है 78। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल प्रोसेसिंग। ए ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 79। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? टर्मिनल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 80। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस। बस टोपोलॉजी में क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 81। नेमों का एक सेट है प्रोटोकॉल। क्वेश्चन है आपका 82। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदेशीय कड़ियां हैं? यह है आपका मैस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 83। किसका लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम है ये, ठीक है? किसका? लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन है 84। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 85। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। 85 का डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 86। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट। सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 87। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 88। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, यह है आपकी भारतीय जनता पार्टी, BJP। क्वेश्चन है आपका 89। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? यह आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम, ठीक है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा 90। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 91। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसमें होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पता है आपको? इसमें लेकिन पता है, आप देखोगे तो इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसमें आपका IB होगा, BSNL, ठीक। लेकिन इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 92। जो डिवाइस
दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहलाता है? गेटवे। क्वेश्चन है हमारा 93। HTTP का उपयोग करती है वेब पेज। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 94। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTP। ठीक है। क्वेश्चन है 95। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। क्या है? होम पेज। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 96। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 97। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG का संबंध आपका संगठन से है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 98। .com डोमेन का संबंध क्या है? व्यापारिक संस्था से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 99। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? भारत में इंटरनेट की सुविधा आपकी 1995 से शुरू हुई। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 200। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? URL। सी ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे 200 क्वेश्चंस तक। 201 से हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है।